फतेहाबाद के विधायक चौधरी धुड़ाराम भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं और विधायक जो है लगातार लोगों के बीच में रहे और हर शुक्रवार भट्टुकला में इनका कार्यालय पर लोगों का के साथ मिलना जुलना तय रहा और इसी के चलते आज शनिवार को इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। यहाँ भाजपा के अनेक पदाधिकारी भी यहाँ इस बैठक में मौजूद रहे। इस चुनावी माहौल के बीच जो कि भाजपा की केंद्रीय समिति की बैठक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो चुकी है और उसके बाद शनिवार को विधायक धुड़ाराम ने भट्टू मंडी में अपने प्रतिष्ठान पर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर एक किस्म से चर्चाओं का माहौल गर्म कर दिया है। भाजपा में यह तय माना जा रहा है कि अब फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक चौधरी धुड़ाराम को टिकट मिलना फाइनल है, क्योंकि जिस तरह से आज बैठक ली गई है और यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि उनकी गाड़ियों पर जिस तरह से पोस्टर लगाए जा रहे थे उससे तैयारियाँ शुरू हो गई है। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के तौर पर विधायक चौधरी धुड़ाराम ने अनेक विकास कार्य करवाए हैं और लगातार जनता के बीच बने रहे। शुक्रवार को भट्टू मंडी में हर शुक्रवार वे अवश्य पहुंचे, चाहे कहीं बाहर गए हों तो अगले शुक्रवार उन्होंने भट्टुकला में बैठक अवश्य ली और जनता के बीच पहुंचे। उसी के चलते उनका शेड्यूल यहां जारी रहा, लेकिन शनिवार को अब विधायक धुड़ाराम ने भट्टू मंडी में अपने प्रतिष्ठान पर यह बैठक आयोजित की है। इसलिए यहाँ यह कहना लाजमी हो गया है कि इस बात की कोई टाल मटोल नहीं है, नज़र नहीं है आ रही कि विधायक को टिकट में कोई संशय बाकी रह गया हो, क्योंकि जिस तरह से आज उनका चेहरा खिला हुआ था और कार्यकर्ताओं से हंस बतलाकर जो बातचीत कर रहे थे और चुनावी माहौल में भाजपा के लिए दम लगाकर कार्य करने को लेकर जिस तरह से दिशा निर्देश यहाँ दिए गए वह अपने आप में आश्चर्यचकित कर रहा था। विधायक धुड़ाराम टिकट को लेकर आश्वस्त हैं। विधायक ने कहा कि वे भाजपा के लिए कार्य करते आ रहे हैं और भाजपा ने प्रदेश में चहुंमुखी विकास किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश व प्रदेश उन्नति के शिखर पर चलता रहा है और चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि आगामी हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी और उसमें पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने के बाद और अधिक हरियाणा के विकास कार्यों को प्रगति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के हितों के लिए और जिस तरह से पहले लगे हुए थे भाजपा पार्टी का प्रचार करते हुए उसी तरह से आज लगे हुए हैं। भाजपा के ही वे सिपाही के तौर पर कार्य करते हुए जनता का सेवक बनकर विधायक के रूप में उन्होंने कार्य किया और आगे भी जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है। इस आज की शनिवार को भट्टू मंडी में हुई इस बैठक के बाद चर्चाओं का जबरदस्त राजनीतिक माहौल गर्म रहा और भाजपा की जल्द ही पहली सूची की घोषणा होने वाली है। हो सकता है कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की सीट के लिए भी इस सूची में नाम आ जाए और इसी को लेकर यहां भट्टुकला में व्यापक चर्चाओं का माहौल बन गया है और विधायक के इस मीटिंग के दौरान भट्टुकला क्षेत्र से अनेक कार्यकर्ता इस मीटिंग में मौजूद रहे।